नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, पूरे देश में अब रिंकू शर्मा की हत्या का विरोध सामने आ रहा है। जी हां, इसी कड़ी में आज दमोह जिले से बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल दमोह में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा एवं उनके परिजनों के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया एवं रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या की गई है। श्री राम मंदिर निर्माण हेतु पवित्र निधि समर्पण अभियान से जुड़े राम भक्त बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या मुस्लिम जिहादियों ने संगठित होकर घर में घुसकर की है। उसके विरोध में आज संपूर्ण देश में बजरंग दल द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर तक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि रिंकू शर्मा की हत्यारों को फांसी एवं अन्य हमलावरों पर रासुका लगाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचारने का आदेश किया जाए एवं रिंकू शर्मा के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी एवं 1 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी जाए और देश में मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में हिंदू युवकों को सुरक्षार्थ शस्त्र लाइसेंस प्रदान भी किए जाएं। बड़ी मांग ये की गई है, देश भर में सरकारी जमीनों पर मुसलमान द्वारा किए जा रहे अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाया भी जाए। सुनिए जरा क्या कहना है बजरंग दल का इस संबंध में। बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, तहसील स्तर पर जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। दिल्ली में मंगोलपुरी में हमारे बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता जो कि राम जन्मभूमि राम मंदिर के कार्य में निरंतर लगे हुए थे और वहां के सक्रिय कार्यकर्ता थे, वहां रह रहे मुस्लिम जिहादियों के द्वारा उनको बार बार धमकाया जा रहा था और उनको यह समझाया जा रहा था कि आप राम कार्य ना करें या राम का कोई भी काम में सहयोग ना किया जाए, पर रिंकू शर्मा ऐसा करने के लिए नहीं माने और वो निरंतर कार्य करने के लिए अग्रसर रहे। पर जब जैसे ही मौका देखा 10 फरवरी को मुस्लिम जिहादियों ने और उनको घर में घुस करके और जान से मार दिया। चाकू मारने के बाद भी जब वहां पर हॉस्पिटल उनको ले जाया गया तो हॉस्पिटल में भी जहां पर जिस जगह चाकू लगा हुआ था वहां द्वारा चाकू से वार किया गया, बार बार हमला किया गया, उनके परिजनों को उनके घर के लोगों को गैस सिलेंडर से जलाने की पूरी कोशिश की गई और बहुत ही निर्मम तरीके से उन लोगों को मारा गया। इस कृत्य के लिए, ऐसी घटना के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर निंदा करता है और इन हत्यारों को फांसी दी जाए और इस हत्या में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा जो मुस्लिम जिहादी हैं इनके द्वारा पूरे भारतवर्ष में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, इसको भी मुक्त कराया जाए एवं इन पे कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो बजरंग दल आगे उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा।